नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे आज नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ का किला भारत के सबसे मशहूर किलों में से एक है, जहां टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन इस किले को डरावना भी माना जाता है, क्योंकि वहां कई ऐसी गतिविधियां हुई है जिसके चलते इसे हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। नाहरगढ़ का किला भारत के सबसे मशहूर किलों में से एक है। हम आपको इस किले की कुछ खास बातें बताएंगे। नाहरगढ़ का किला भारत के सबसे मशहूर किलों में से एक है। वहां गई ऐसी गतिविधियां हुई है जिनके चलते हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। राजस्थान टूरिज्म की ऑफिशियल साइट के मुताबिक अरावली पहाड़ियों के बीच जयपुर के पास नाहरगढ़ का किला राजा जयसिंह ने 1734 में बनवाया था। 1868 में किला बनकर तैयार हुआ था। नाहरगढ़ का मतलब बाघों का निवास होता है। इस किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था। इस किले में रानियों के लिए 12 खास कमरे बनवाए गए थे और राजा के लिए शानदार कमरा बनवाया गया था। आज भी ये महल लोगों का एक पसंदीदा स्थान है। कहा जाता है कि वहां कोई मजदूरों को काम करने से रोकता था। किले के निर्माण के दौरान कई ऐसी गतिविधियां देखी गई जिससे मजदूर डर जाते थे। वो जो भी काम करते थे, अगले दिन वो काम तहस नहस दिखता था, जिससे मजदूर काफी डरे रहते थे। जब राजा को इस बात का पता लगा कि दिन में कराया निर्माण रात को टूट जाता है, उसके बाद राजा ने तांत्रिक से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या से देख कर बताया कि वहां पर नाहरगढ़ भूमिया जी महाराज है, आप उनका मंदिर का निर्माण कराए। उसके बाद राजा नाहरगढ़ भूमिया जी से मिले और उनकी शर्तों के बारे में जाना। तो उनमें से एक शर्त ये थी कि इस किले का नाम नाहरगढ़ होना चाहिए। साथ ही तीन शर्त और थी। राजा ने उनकी बात मानी और उसके बाद यहाँ का निर्माण चालू हुआ। इसके साथ ही नाहरगढ़ किले के पास बहुत बड़ा जंगल है। कहा जाता है कि राजा वहां पर शिकार पर जाया करते थे। आज भी यह जंगल काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ जानवर घूमा करते दिखते हैं, इसलिए पर्यटकों को जंगल से दूर रखा जाता है। टीम नाहरगढ़ किले में पहुंच चुकी है और नाहरगढ़ किले में राजा माधो सिंह जी रहते थे, उनके 9 रानियां थी। हम आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे जो पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई है, जहां महाराज और रानियां खुद रहते थे, किस तरीके से रहते थे। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये रानी का बेडरूम हुआ करता था। रानी यहाँ रहती थी, पर यहाँ से वो सारे सामान हटा दिए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ ऐसे इंतजाम नहीं थे, देखरेख की पूरी व्यवस्था नहीं थी, इस कारण यहाँ से सारे सामान हटा दिए गए। लेकिन वो सारे कमरे जहाँ रानी रहती थी, ये रानी का ड्रेसिंग है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो किस तरीके से रानी रहती थी, ये ऊपर से कैसा है, और ये आप देख सकते हैं इसमें जो पेंटिंग है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ये सर्दियों में रहने के लिए व्यवस्था थी, यहाँ रानियाँ सर्दियों में रहती थी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जब चिमनी जलती थी तो इसका धुआं जो निकलता था, जो ऊपर से निकलता था, इससे कमरे में गर्माहट आती थी। और आगे भी हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो इस किले से जुड़ी हुई है। देखते रहिए, बने रहिए। बात ये केवल महाराजा के लिए होता था। देखते हैं आगे तक, देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर जो राजा आता था वो केवल उसी रानी को पता रहता था। इसलिए ये रास्ता केवल राजा के अलावा यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। और जैसे ये रानी के बेडरूम्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं, राजा आता था गेट को बजाने के बाद में उन्हें पता लगता था कि यहाँ कोई आया है। रानी जब गेट खोलती थी, आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से रानी का जो बेडरूम है, हमने आपको बताया लगातार, आपने आगे भी देखा और भी हम आपको दिखाएंगे। आप फिर से, मैं आपको एक बार वो रास्ता दिखाऊंगा, देख सकते हैं कितने, एक बार आगे तक देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ खिड़कियाँ हुआ करती थी, और खिड़की के साथ हर चीज अलग होती थी। पुराने जो सिस्टम है उनको फॉलो किया करते थे। ये वही रास्ता है जहाँ से राजा गुजरता था। खजाना होता था, यहाँ खजाने लगते थे, यहाँ पर्यटकों को, आम लोगों को आने जाने के लिए रोक है। दर्शकों के कारण हमने सोचा कुछ नया दिखाएंगे और वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आप लोग देखना चाहते हैं। ये वो है जहाँ राजा अपना खजाना रखता था,
और ये पूरा रास्ता एक यहाँ गेट है एग्जिट, और आने जाने के लिए केवल एक यही गेट है, यहाँ इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ किस तरीके से यहाँ भूलैया होती थी। जी। एक बार इस रास्ते में अगर आप चल गए तो आपका आना मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके से एक कई रास्ते ऐसे होते थे इसमें जाने के बाद भूल जाते थे। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है, किस तरीके से ये यहाँ चलता पूरा, अब तो इसमें जाले वगैरह के चीज़ें जो देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ अंधेरा भी काफ़ी है, गेट बंद है, एक जैसे कई रास्ते होते थे। और मैं अंदर एक बार आपको दिखा दूँ, एक बार अंदर से भी ये यहाँ से भी कई रास्ते जा रहे थे। देखिए इधर की साइड से जो ये रास्ता है, इसके बाद में इधर से भी एक रास्ता जाएगा काफी लंबा, मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा इसके नीचे से, क्योंकि यहाँ जो रास्ता है जो पूरी तरह बंद है, यहाँ पर भी अंदर से जाने का रास्ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए राजन न्यूज के साथ, दिखाते हैं हम आपको सारी चीज। राजन माधो सिंह जहाँ अपना खजाना रखता था वो हमने आपको बताया किस तरीके से भूल भुलैया के रास्ते थे यहाँ पे, मैं आपको वो रास्ते बताता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बार जो व्यक्ति अंदर एंटर हो जाता था तो उसे किसी भी हर रास्ते से निकलने के लिए जगह होती थी और किसी भी रास्ते से वो जा सकता था। पहला रास्ता आप देख सकते हैं, दूसरे रास्ते समाये थे, तीसरा रास्ता ये रहा, चौथा ये रहा, और अब मैं एक बार अंदर जाना चाहता हूँ। फिर देख सकते हैं सेम ऐसे कैसे ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से एक दो तीन रास्ते इधर जाते हैं, तीन इधर जाते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये राजा का मेन खजाना भंडार हुआ करता था। लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जिसे खजाने तक कोई ना पहुँच सके। और भी जानकारी हम आपको देंगे, बने रहिए आवाज़ न्यूज़ के साथ। नाहरगढ़ किले के बावड़ी के पास हम मौजूद हैं, बावड़ी आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं नाहरगढ़ किले की जो सुरक्षा दीवार थी, वो सुरक्षा दीवार चारों ओर किले के करीब एक किलोमीटर की दीवार है। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे, जो किले पर आक्रमण वगैरह ना हो इसके लिए देखरेख के लिए रहते थे। अब ये बावड़ी देख सकते हैं आप, इस तरीके से बावड़ी हुआ करती थी जो पानी पर। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर ये लोग हजारों लोग इसे देखने के लिए आते हैं और करीब लाखों रुपए रोज की यहाँ इनकम है। पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख कर रहा है, लेकिन पुरातत्व विभाग यहाँ जब भी आता है उसको कुछ भी नजर नहीं आता। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ टूटा हुआ पड़ा है, मेरे पीछे भी मैं कहना चाहूंगा कितनी दरारें इसमें आ रही है, लेकिन पुरातत्व विभाग की नाकामी कहें या नजरअंदाजी कहें, इसको कितने लोग देखने के लिए आते हैं। जयपुर में जो के लिए भी मैं आपको दिखा दूँ गर्मियों के लिए, ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेडरूम थे, महारानी यहाँ रहती थी, सर्दियों में नीचे रहती थी। और इससे पहले इसके खास बात ये है, बारिश तब भी आती थी, बारिश का पानी जितना भी टॉप फ्लोर है उसका पानी एकत्रित होके, ये देख सकते हैं आप, इसमें होके पीछे बावड़ी में जाता था। और ये राजा महाराजा जो होते थे वो इसे पीने के काम में लेते थे, कपड़े धोने के काम में आता था, और कई भी जहाँ ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से यूज़ कर लिया जाता था। और मैं आपको दिखा दूँ जो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से एक साथ गेट है, ये पुरातत्व। अगर आपको भी इस किले का आनंद लेना है तो आप वहाँ पर जरूर जाइए। फिलहाल आज के हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही, बने रहिए आवाज इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।